हाय दोस्तों, वेलकम टू आरबी पेट्स फार्म एंड एंटरटेनमेंट। वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो। दोस्तों आज काफ़ी माल था देवनार में। सैटरडे की जो मंडी है आज की, आज काफ़ी माल था। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आपके अगर बकरे हैं कवर करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर डालने के लिए, अगर आपके बकरे हैं तो दोस्तों मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, मुझे कॉल करो या व्हाट्सअप करो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वीडियोज़ आप देखते ही हो, और अगर नहीं देखते तो देखो मैं कैसे एडिटिंग करता हूँ, कैसे बनाता हूँ। बाकी लोग भी मेहनत करते हैं, बाकी यूट्यूबर्स भी करते हैं। कंपेयर नहीं करूँगा कि उनसे अच्छी करता हो या वो अच्छी करते, ऐसा कंपेयर नहीं करूँगा। और दोस्तों वीडियोस देखो, और अगर आपके बनाने हो तो मुझे कांटेक्ट करो। दोस्तों मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, वही व्हाट्सअप नंबर है और कॉल का भी वही नंबर है। तो दोस्तों मुझे कॉन्टैक्ट करो अगर आपके भी वीडियोज़ बनाने हैं, और अगर यूट्यूब पर डालने हैं तो अगर आप निकल के सेंड करते हो तो वो भी है ऑप्शन कि आप भी सेंड करोगे तो मैं डाल दूंगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अभी बढ़ते हैं सैटरडे की मंडी देवनार की ओर। ओके दोस्तों, ये एक बोर का बच्चा देख सकते हो आप, ये हमारे भाई के पास है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हो भाई, अच्छे ना भाई? काफ़ी अच्छी क्वालिटी में एक बोर का बच्चा लिए है आपने, कहाँ से मिला है आपको ये भाई? बाहर से मंगाए। अच्छा, बाहर से मंगाए थे अपने नासिर भाई, बनूर वाले हैं। हाँ, उनसे मंगवाए थे। और ये बनूर भी आपके ही है? हाँ, ये तीनों बनूर हैं। दोस्तों देख सकते हो माशाल्लाह, एकदम शॉर्ट हाइट में जिसे कहते हैं। खड़े रहना जरा उधर उनके पास, देखो कितनी शॉर्ट हाइट है, मतलब एक फीट के आसपास, एक फीट डेढ़ फीट के आसपास के बनूर है बस हाइट में। एकदम ओरिजिनल क्वालिटी है ना भाई ये? हाँ माशाल्लाह, बहुत अच्छी क्वालिटी में है बच्चे। ये भी अच्छा है माशाल्लाह, देखो दोस्तों अच्छी क्वालिटी में ये भी। इतना सा कितने मंथ्स का है भाई ये? ये साढ़े तीन चार महीने का है। साढ़े तीन चार महीने का बच्चा है। और ये वाले बनूर? वो भी भाई साढ़े तीन चार महीने। साढ़े तीन चार महीने के है ये भी। जजाकल्ला भाई। इंटम है तो दोस्तों ये सबकी डिटेल्स भी हम नासिर भाई से ले लेंगे। बेंटम है, देखो ये बेंटम बैठा हुआ है, ये है तो वो साइड पे खड़े हैं दो बेंटम है। सबके हम नासिर भाई से प्राइस ले लेंगे कि ये भी है सिंग वाला। तो दोस्तों ये सबकी प्राइस और डिटेल्स हम नासिर भाई से पूछते हैं। तो ये बेंटम का जो है ये चार महीने के आसपास का बच्चा है, साढ़े तीन चार महीने के आसपास का बच्चा है। दोस्तों देखो इसको, पूरा वाइट है। और ये भी है उसके साथ में, ये फीमेल है, ये मेल फीमेल जोड़ी है। नासिर चाचा ने इनके 10-10 हज़ार रुपये बोले हैं दोनों के, इसके 10 और इसके 10। तो उसमें नेगोशिएबल है, अगर तुमको सिंगल चाहिए तो सिंगल भी मिल जाएगा, और जोड़ी में चाहिए तो जोड़ी में भी दे देंगे नासिर चाचा। नासिर चाचा का मैं नंबर स्क्रीन पे भी दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो दोस्तों किसी को भी पसंद है, पिंक स्किन में है पूरे, नेगोशिएबल है। 10 हज़ार रुपये फिक्स रेट नहीं उसका, नेगोशिएबल है, थोड़ा बहुत उसमें कम हो जाएगा। तो किसी को भी पसंद हो तो चाचा को कॉल करे, और चाचा का बाड़ा है वहाँ पर भी आके आप देख सकते हैं सामने। आगे देखते हैं बनूर के बच्चे। दोस्तों ये सब जो बनूर के बच्चे हैं ये चार महीने के आसपास के बच्चे हैं, साढ़े तीन चार महीने के। चाचा ने इसका जो एक अप्रॉक्स रेट बोलते ना, मतलब एक अंदाज़ा एक भाव बोलते, वो 8 हज़ार रुपये बोले हैं एक का। तो इसमें से तुमको कौन सा पसंद है तो उसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगा वो रेट, मैं तुमको बता देता हूँ। थोड़े बच्चे ये सिंग वाले भी है इसमें, ये भी है सिंग वाला, देख सकते हो दोस्तों बहुत है इनके पास माशाल्लाह माल है। ये एक ब्लैक मुंडी में भी है, सिंग वाला भी है ये भी। ये सब 8 हज़ार रुपये के आसपास की रेंज है दोस्तों इनकी। तो तुमको पसंद है तो कॉल करो चाचा को। और एक ये है, ये कर्नाटकी है, ये है वाइट सिंग का, ये कर्नाटकी है, ये बनूर में नहीं है। चाचा इसका क्या रेंज बोले थे तुमने? 10 हज़ार रुपये। उसमें फाइनल है या कम ज़्यादा होगा? वो थोड़ा बहुत उसमें कम ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों एक अभी मुन्ना भाई का एक बताता हूँ, ये मालवा का बच्चा है मुन्ना भाई का, 5 हज़ार रुपये भाई ने इसका फाइनल रेट बोले है, 5 हज़ार रुपये। मेल है दोस्तों ये। मुन्ना भाई इसका कितना ये वाले का? फाइनल 13 हज़ार रुपये। ये गुजरी का क्या एज पे? वो अदन है। अदन है, अदन थे दोस्तों ये बच्चा। मैं मुन्ना भाई का नंबर दे दूंगा, मुन्ना भाई का भी नंबर स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह दे दूंगा दोस्तों। भी एक बेंटम है, मैं उसको उठाऊंगा ना, ये बैठा हुआ है, लेकिन मत उठा मत उठा, रहने दे। अरे चल ठीक है, पिंक कलर की स्किन में पूरा दोस्तों। इसका भी नासिर चाचा ने 10 बोले है, 10 हज़ार रुपये।
आप कांटेक्ट करो, स्क्रीनशॉट भेजो, कांटेक्ट करो चाचा को, या तो डायरेक्ट चाचा के बाड़े में आके देखो। चाचा रहते हैं सनीचर, ट्यूसडे सैटरडे रहते हैं चाचा। देखो काफ़ी अच्छा है, पिंक स्किन में, वाइट मार्बल सिंह मार्बल खुर में है बच्चा। कांटेक्ट करके आप इसकी डिटेल्स बात कर लो, 10,000 रुपये बोले है चाचा ने इसके। तो एक बर्बरी फीमेल है यहाँ पे, खजूरी कान में, कान देखो इसके, खजूरी कान में है ये। इसके चाचा ने, नासिर चाचा की है, या नासिर चाचा ने इसके 8,000 रुपये बोले हैं। दोस्तों एक पिंक स्किन में है, मुन्ना भाई का बच्चा है ये, मुन्ना भाई का बकरा है, सोजत नस्ल में, मार्बल सिंह मार्बल खुर है। थोड़ा क्लोज बता देता हूँ आपको, तो मार्बल सिंह है, पूरा पिंक स्किन में है ये, सोजत नस्ल का है ये, अराउंड 4 महीने के आसपास का बच्चा है। इसके मुन्ना भाई ने 8,000 रुपये बोले हैं। वो अभी भावताव है या फिक्स है, वो आप उनसे बात कर लो। 8,000 रुपये इसके बोले हैं ये बच्चे के, माशाल्लाह पूरा पिंक है देखो। दोस्तों ये एक टेडी बर्बरा की जोड़ी है, दोनों भी दो दो दांत पे है दोस्तों, अभी दोनों दो दो दांत पे है। और ये जो है, ये मुन्ना भाई मुसिन भाई जो है, लखपति चाचा का जो बाड़ा है, उनके बाड़े में है ये दोस्तों। आपको चाहिए तो आपको मुसिन भाई का नंबर मैं डाल देता हूँ स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन में, उनको कॉन्टैक्ट करिए। और वो गर्म है दोस्तों, जैसे दूसरे बकरे आते हैं पास में तो वो जो करते हैं ना, वैसे टाइप के है ये दोनों। अभी ये डर रहे हैं थोड़ा। तो दोस्तों अगर किसी को भी ये चाहिए, अच्छे है क्वालिटी, देख लो आप, दोनों के कान भी खड़े, टेडी बर्बरा जिसे कहते हैं, एक्टिव है काफ़ी, खेलते हुए देख सकते हैं आप इनको, थोड़ा भगाना इनको। देख सकते हो दोस्तों एक्टिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बकरों में, सर्दी वगैरह नहीं है, चलने वगैरह में अच्छे है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इनमें। तो ये भी किसी को चाहिए तो कॉन्टैक्ट करो, मोहसिन भाई का नंबर मैंने स्क्रीन पर दिया हूँ। और दोस्तों इनकी अगर प्राइस की बात करें तो मोहसिन भाई ने और मुन्ना भाई ने इनकी प्राइस बताया है 30,000 रुपये, मतलब 15,000 का एक नेगोशिएबल है दोस्तों। आप उनको कांटेक्ट करके इसका भावताव कर सकते हैं उनसे, 30,000 रुपये, 30,000 ये दोनों के उन्होंने बोले हैं। 15,000 का एक सिंगल भी मिल जाएगा, डबल दोनों जोड़ी चाहिए तो जोड़ी भी मिल जाएंगी, जो भी भावताव करना है नेगोशिएबल है, वो आप उनको कॉन्टैक्ट करके कर दीजिए। दोस्तों ये यहाँ पे मोहसिन भाई के और मुन्ना भाई के बाड़े में यहाँ पे ये एक बकरा देखने मिला है, मालवा नस्ल का है, मेरे हिसाब से तो ये मालवा है, बहुत गर्म बकरा है दोस्तों। देखो मैं थोड़ा ये कर, दोस्तों ये जो है ये 65 से 70 केजी के आसपास है बकरा, अभी फ्रेश 6 दांत किया है, थोड़ा इसके साथ खेल के दिखा दो, बहुत गर्म बकरा है। अरे बाप रे, देख सकते हो दोस्तों जान भी, देखो हेल्थ देखो बकरे की, माशाल्लाह जान में एकदम बकरा, पूरा दिखा देता हूँ सीना वगैरह भी दिखा देता हूँ बकरे का, देख सकते हो पूरी फ्रेम लिया हो बकरे की दोस्तों, फ्रेश 6 दांत कर रहा है। और इसका ये प्राइस बताया है भाई ने, पहले आपको बकरा दिखा देता हूँ फिर इसका प्राइस भी बताता हूँ आपको, थोड़ा उसके साथ खेलना भाई, फटका दे फटका, एक फटका दे उसको ज़रा, देख देख सकते हो दोस्तों, थोड़ा नज़दीक से बता दो, सीना वगैरह देखो दोस्तों। दोस्तों इसका प्राइस भाई ने 30,000 बोले है, 30,000 रुपये नेगोशिएबल है। कोई भी भाई किसी को भी चाहिए, मैंने स्क्रीन पे नंबर दे दिया हो, कांटेक्ट करो, नेगोशिएबल है ये दोस्तों इसका प्राइस। और ये मालवा और कुछ एग्जैक्ट पूरा उसका नस्ल नहीं मालूम है, मेरे हिसाब से ये मालवा और कुछ तो मिक्स रहेगा शायद, या प्योर भी हो सकता है, बोल नहीं सकते। अरे बाप रे, खड़े रहे ना उसके पास, जरा खड़े रहे, मैं तेरे को फ्रेम में लेता हूँ, थोड़ा पीछे हो जा पीछे, नहीं मारेगा नहीं मारेगा, पकड़ खाली सिंग पकड़ उसकी, बस सिंग पकड़, सा मुंडी बता उसकी, देखो दोस्तों काफ़ी बड़ा बकरा देखने मिला है ये मंडी में। दोस्तों ये बकरा देखो, मैं जब अंदर आया था ये बकरे को देखा, अच्छा उसकी मुंडी खाली इधर करो थोड़ी, देख सकते हो दोस्तों गर्दन वगैरह देखो इसकी, मैं हाथ रख के बताता हूँ आपको, मैं देखो एक बिल्लस कर रहा हूँ, उसके बाहर गर्दन जा रही है,
वीडियो में इतना समझता नहीं, बट ये बकरा काफ़ी बड़ा है, 70 किलो 65 किलो के 65 के ऊपर ही है, 65 kg के आसपास। सीना वगैरह देखो दोस्तों इसका। और इसकी एक बात बता दूंगा दोस्तों, ये पूरा दिखने में अंडुल है बट ये अंडुल है नहीं, ये खस्सी बकरा है। मैं आपको थोड़ा क्लोज में बता देता हूँ, एक खस्सी बकरा है दोस्तों, पूरा खस्सी बकरा है ये, देखने में ऐसा लगा था अंडुल है। और ये 6 दांत पे दोस्तों, इसका प्राइस भी जो है वो मुन्ना भाई ने 30,000 बोले है, उसमें नेगोशिएबल है वो, आप भाव करो उनसे कैसा लगता है आपको, कैसा पसंद आता है। खस्सी बकरा है लेकिन ऐसा जान में है माशाल्लाह। हाँ देखो दोस्तों, इसमें गर्दन समझ में आ रही है इसकी, किसी को खस्सी बकरे का शौक है बट वो दिखता पूरा अंडुल है, तो ये बकरा उनके लिए भी एक अच्छा बकरा है। कौन सी नस्ल में भाई है? ये उधर का अपना जयपुर साइड का है। अच्छा, जयपुर साइड का बकरा है दोस्तों ये। दोस्तों ये भी एक अच्छे कलर में देखने मिला है, और मतलब भरा हुआ भी है, और मेरे को कलर बहुत प्यारा लगा इसका। चाचा क्या दांत पे जरा बताओ? वो 4 दांत पे दोस्तों, देखो 4 दांत है इसके, 4 दांत पे। अराउंड बॉडी वेट इसका 45 kg के ऊपर ही है। इसका क्या भाव है भाई, भाव क्या है इसका, प्राइस? 17,000 रुपये नेगोशिएबल है? तो 17,000 रुपये बोले भाई ने, नेगोशिएबल है। ऐसा नहीं आज मंडी हो गई तो ऐसा चले गया, अगर रहा भाई के पास तुम कांटेक्ट करो भाई को, रहा भाई के पास तो तुमको मिल जाएंगी ये चीज़ भी। 17 बोले भाई ने, नेगोशिएबल है। हाइट वगैरह देख लो बकरे की, अच्छे कलर में है दोस्तों। तो ये एक बड़ा बकरा थोड़ा देखने मिला, खस्सी में है ये बकरा। इसके दांत बताओ चाचा। दोस्तों ये 6 से 8 दांत के आसपास है, 6 दांत पकड़ लो इसको, 6-8 दांत के आसपास है। और इसका बॉडी वेट होगा 70 kg होगा भाई, 70-75 है। खस्सी बकरा है दोस्तों, साल पलटी के लिए भी कोई ले सकता है ना इसको। मुंडी ऐसे थोड़ी ऊपर करो ना, देखो दोस्तों। और क्या प्राइस मांग रहे भाई इसका? 35 मांग रहे हो, तो दोस्तों 35 बोले भाई ने। इसका सीना वगैरह देखो, उसमें नेगोशिएबल है, कोई भी प्राइस फिक्स नहीं होता है। इसका सीना वगैरह देख लो, खस्सी बकरा है दोस्तों। कौन सी नस्ल का है भाई ये? वो जयपुर अजमेर साइड के क्या दोस्तों? बहुत से हमारे भाइयों ने कहा है कि हमको भाई अकीके के लिए बताओ, थोड़ा बजट में बताओ, 15-16 के आसपास का बकरा बताओ। तो दोस्तों उनके लिए ऐसे टाइप के बकरे हैं, अच्छे बकरे हैं ये भी, ऐसे टाइप के बकरे आ जाते हैं 15-16 के आसपास। वो तो तुम भाव करेंगे उसके ऊपर है, बट एक तुमको अप्रॉक्स रेंज मैंने पूछा हो भाई से, तो भाई ने बोले ये 15-16 के आसपास की रेंज के बकरे है। जैसे ये हो गया, ये पहले आपको बताया वीडियो में, ये हो गया, तो ये सब जो बकरे हैं ये 15-16 के आसपास है। उसका तुम भावताव करो आके आगे, या तो तुम डायरेक्ट कॉल पे भी भाव कर सकते, स्क्रीनशॉट लेके वो भाई को भेज दो। कितने दांत पे दिखाओ जरा ये चाचा, कितने दांत पे? 2 दांत पे। बहुत मान नहीं रहा है वो बकरा, हाथ में नहीं रहता है, बहुत उड़ी मार रहा है। देखो दोस्त 2 दांत पे ही है, किसी को ऐसे शौक करने के लिए लेने का तो भी ले सकता है। क्या नस्ल है इसकी, नस्ल वगैरह कुछ? तो ये वही साइड का है बोले, गाड़ी में ही आया है, राजस्थान वगैरह साइड का। सो दोस्तों अभी कुछ बच्चों की प्राइस पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा। चाचा आपका नाम बता दो पहले। महबूब खान। चाचा ये कौन सी नस्ल का है? पानीपत। अच्छा दोस्तों देख सकते हो पानीपत बोल रहे चाचा नस्ल। और इसका क्या प्राइस है? 11,000। उसमें कम ज़्यादा हो जाएगा ना। ये ब्राउन वाला 8,000। कौन सी नस्ल का ये? कौन सी नस्ल का है? सिरोही अजमेरी। अच्छा दोस्तों देख सकते हो इसकी क्या बोले, 8,000। दोस्तों ये 2 और बच्चे। चाचा ये जोड़ी का क्या? 18,000 की जोड़ी है, 9,000 रुपये। सोजत है ये दोनों, 9,000 रुपये एक एक के है इसके बोल रहे। उसमें कम ज़्यादा भी हो जाएगा सकते हो। दोनों वाइट बच्चे हैं, ऐसा रहता है दोस्तों।
उसमें कम ज़्यादा हो जाता है, जो भी प्राइस रहती है वो फाइनल प्राइस नहीं रहती है, वो आपके बार्गेन करने के ऊपर रहता है, भावताव करने के ऊपर रहता है कि क्या प्राइस में आपको मिलेगा। आप आओ यहाँ पे भावताव करो, उस हिसाब से आपकी प्राइस डिसाइड होती है, वो कोई भी फिक्स प्राइस नहीं रहती है इसमें। सो दोस्तों, कैसी लगी मंडी आपको आज की, मेरे को बताओ ज़रा कमेंट में कैसी लगी मंडी। आपने देख लिए बकरे वगैरह भी देख लिए, तो कैसी लगी आपको मंडी मेरे को बताओ, और रेट वगैरह ही बताओ। और दोस्तों, जिनका मैंने नंबर दिया हो वो जेन्युइन है, कॉल करो उनको। मतलब लेना देना तो वो आपके हिसाब से कैसा करना चाहिए वो आप देखो, बट कैसा है कि यहाँ पे उनकी मंडियाँ है, मतलब ऐसा कभी कभी कैसा रहता है रास्ते में कोई मिल जाता है, तो वैसा नहीं है, ये जो है इनकी मंडियाँ यहाँ रहती है। तो दोस्तों, इनको कॉन्टैक्ट करके इनसे भी ले सकते हो बकरे। आके लोगे वो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा रहता है कि आके लोगे ना, वो अच्छा रहेगा ज़्यादा। सामने सामने बकरा देख के लेते हो, ऑनलाइन मंगाते हो, कभी ऐसा हो जाता है छोटा लगता है बड़ा लगता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट में भी बताओ। दोस्तों, शेयर वगैरह करो, सब्सक्राइब भी करो मेरे वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को तो नहीं कर पाऊँगे। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।